हेलो। हाँ जी, कूलर हाँ आप बताओ, जोर से क्या कर रहे हो? जब वाले कूलर बंद करो। ये, हाँ जी, जब साधना शुरू करता हो ना गुरु जी, साथ के साथ ही जी पायलों की आवाज आने शुरू हो जाती है, और जब तक करता रहता हो ना तब तक आती है जी। अच्छा, हाँ जी, और जी एक बार पहले दिन तो जी बड़ा बुरा बनाया जी मेरे साथ जी। क्या हुआ? मैं 3 साढ़े 3 बजे जी साधना पूरी करके लेटा हुआ था जी, तो ना कोई बड़ी सी चीज आई जी, जैसे मेरे दोनों तरफ तो उसने मुट्ठी रख लिया जी, अपनी मुट्ठी बांध के जी, और मेरे पैरों से भी ज्यादा लंबा था जी, वो मेरे ऊपर था जी। अच्छा, उसने मेरे को ना एकदम से जकड़ लिया जी गुरु जी, सीने के पास से जी एकदम से जकड़ लिया जी, मेरे तो प्राण ही निकल गए थे जी गुरु जी। फिर फिर तभी मैंने जी गुरु जी आपका नाम लेके जी अपना ललकार लगाया जी, जय गुरुदेव जी, तभी मैं साथ के साथ ही छूट गया जी। हाँ जी, अभी तक तो कोई वो नहीं है जी, एक दिन उसकी आवाज आई थी जी गाने से गुनगुनाने के जी, उसकी भी आवाज आई थी, एक दिन आई थी जी गाना गाने गुनगुना रही थी जैसे पीछे पता लग रहा था जी। अच्छा, हाँ जी, बाकी साधना लगातार चल चल रही थी गुरु जी। एक दिन 39वां दिन हुआ था जी, तो ज्योत ना अपने आप बुझ गई थी जी। कोई बात नहीं है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है, घी खत्म हो जाता है। हाँ, घी की वजह से ही था जी, वो मैं दूसरा घी ले आया था, वो एकदम से घी नहीं मिला, वो दूसरा घी डाला था, उस वजह से हो गया था, कोई दिक्कत तो नहीं जी। ना, अब देखो, सुनो मेरी बात को। हाँ जी, लगातार ही चल रहा हूँ जी। अब सुनो मेरी बात को। साधना हाँ जी, करते वक्त शरीर से तीन चीज नोट करें। शरीर सीधा रखें, कोशिश है करें गुरु सीधा जी, रखने की कोशिश करें। टेढ़ा हो जाएगा फिर सीधा कर लें, ठीक है? दूसरा ठीक गुरु जी, ठीक गुरु जी, नंबर नोट करो, शरीर को बिल्कुल ढीला रखना है आपको, बिल्कुल अच्छा ठीक है जी, कसना ढीला रखना है शरीर को। नहीं है जी ना शरीर ना, को। हाँ बिल्कुल ढीला, बिल्कुल शरीर। तुम अगर ढीला रखोगे जी ठीक तो ये शरीर और तुम्हारा मन दूर अलग हो जाएगा, गुरु और जी, शरीर को ढीर टाइट रखोगे तो मन और शरीर यथास्थिति में बने रहेंगे, ठीक है? ठीक ठीक गुरु है। तीसरी जी, बात, सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि प्रत्येक मंत्र पर ध्यान दो। हाँ जी वो तो देता हूँ जी, हाँ, प्रत्येक मंत्र पर ध्यान दो, और मंत्र जपते वक्त तुम्हारे कान सुने उस मंत्र को, जी अंदर या ही अंदर जी कान को सुने जी। हाँ कान को सुने। ये जोर से नहीं बोलना है, अंदर ही अंदर, हाँ जी, जैसे हाँ जी, अंदर ही जैसे अंदर कान को सुने जी। हाँ कान को सुनो आप। ठीक गुरु जी, ठीक गुरु जी, एक टाइम ऐसी ब्रह्म विद्या आएगी, बिल्कुल तुम स्थिर हो जाओगे, तुम्हें ये पता नहीं चलेगा तुम कहाँ हो और वो कहाँ हो। जिस दिन एक आकार हुआ उस दिन साक्षात दर्शन हो जाएंगे। यही दर्शन का तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं हाँ गुरु है। जी साधना करता हूँ ना जी गुरु जी, हाँ मेरे को 2-3 घंटों का तो पता ही नहीं चलता जी कैसे निकल गए जी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आपका वो मूलाधार चक्र जागृत हो गया है ना। हाँ जी पता ही अच्छा, लगता है, ऐसे बैठता हूँ जी, जब मान लो थोड़ी सी आँख खुलती है तो पता लगता है 2.5-3 घंटे निकल चुके हैं जी, हाँ और जिसका, लगता है जैसे मैंने एक ही माला फेरी है जी अभी। हाँ जिस जैसे साधक का मूलाधार चक्र जागृत होता है तब यही कंडीशन आती है। ठीक गुरु जी, ठीक गुरु जी, साधना ऐसी चालू रखूं जी गुरु जी। बिल्कुल चालू रखो, तोड़ना मत साधना को। देखो हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, क्या है कि हम दिन तो बता देते हैं, लेकिन साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि साधक कितना सक्षम है साधना करते वक्त। ठीक गुरु जी, ठीक। एक गुरु दीक्षा का जी गुरु जी, इसमें कोई वो दिक्कत तो नहीं जी, किसकी दीक्षा? गुरु दीक्षा लेते हैं जी।